माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, माधव स्मृति न्यास के आदरणीय विश्वस्त श्रीमान गौतम भाई सम्राट, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मैं बैठकर इसलिए बोल रहा हूं, सभा की शिष्टाचार के अनुसार मुझे खड़े होकर बोलना चाहिए, बोल भी सकता हूं, परंतु ये विषय भाषण का नहीं है। जो विषय यहाँ निमंत्रण पत्र में उल्लेखित किया गया है, वैश्विक संदर्भ में भारत की भूमिका, क्योंकि उसमें नया कुछ बहुत बताना है ऐसा नहीं है। आप सब सुबुद्ध प्रबुद्ध लोग उस विषय को जानते हैं, उससे परिचित है और सोच सकते हैं, और 1857 के बाद बहुत बड़े पैमाने पर इस विषय को लेकर अपने देश के महापुरुषों ने काफी व्यापक प्रबोधन समय समय पर किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल भारत में काम करता है और हिंदू संगठन का काम करता है, लेकिन उसके दृष्टि में ये विषय पहले से है। परम वैभव संपन्न राष्ट्र जब कहते हैं तो वह राष्ट्र विश्व के जीवन में अपने योगदान से विश्व को समृद्ध बनाने वाला भी होता है। हमारे परम वैभव की कल्पना अकेले वैभव संपन्न बनने की नहीं है। हमारे वैभव से विश्व का कल्याण हो, ऐसा वैभव हमको चाहिए। और इस हमारे प्राचीन दृष्टि का सूत्र लेकर संघ काम करता है। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती है वैसे कार्य का दायरा व्यापक होता है और भाषा भी व्यापक बनती है। परंतु जब कार्य का दायरा बहुत छोटा था और कार्य इतना व्यापक नहीं था, तब भी विचार तो यही था। संघ सब पूरा का पूरा डॉक्टर हेडगेवार नामक बीज का विस्तार है, और 1920 में संघ स्थापना के 5 वर्ष पूर्व नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव नियामक समिति के सामने डॉक्टर हेडगेवार ने 2 प्रस्ताव रखे थे। दोनों उस समिति ने मान्य नहीं किए, इसलिए नहीं कि तत्वशः उनका कोई मतभेद था, इसलिए कि उस समय उन प्रस्तावों की भाषा को बोलना उन्होंने शायद उचित नहीं समझा। बाद में उन सब बातों को और कांग्रेस के द्वारा कहा गया है। गांधी जी उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। एक प्रस्ताव था संपूर्ण गोवंश हत्या बंदी का, और दूसरा था कि कांग्रेस घोषित करे कि हमारा लक्ष्य भारत के लिए संपूर्ण स्वतंत्रता का है और स्वतंत्र भारत दुनिया के देश को पूंजी के चंगुल से मुक्त करेगा, दुनिया के देशों को। यानी अर्थ प्रधान व्यवस्था की एक जो जकड़न आज हम अनुभव कर रहे हैं विश्व में सर्वत्र, उसके आज के स्वरूप का अनुमान लगाकर तभी डॉक्टर हेडगेवार ने यह कहा था कि स्वतंत्र भारत को ये करना पड़ेगा। एक तरह से एक विशिष्ट क्षेत्र में भारत की भूमिका का सूतोवाच उसी समय उन्होंने कहा था। इतना व्यापक, अंग्रेजी में कहते कैनवास, विचार पटल उनके सामने था। और इसलिए विषय न मुझे न आपको नया है, मुझे उस पर आपको भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग उसका चिंतन करें, और चिंतन आपका चलता रहे, क्योंकि मनुष्य का मन है वो तो भटकते रहता है इधर उधर, तो मन लगा रहे आपका उसी चिंतन में। इसलिए उस विषय के बारे में जो मुझे आपको सबको मालूम है वो मैं फिर एक बार आपके सामने दोहरा रहा हूं। उसको सुनते सुनते आप इसका चिंतन कीजिए
और चिंतन के द्वारा कुछ करने की बातें निश्चित की। वैश्विक संदर्भ में भारत की भूमिका क्या है, तो संदर्भ कल कुछ और थे, आने वाले कल में कुछ और हो सकते हैं, इसलिए जो विचार व्यक्त किए जाएंगे वो कल के संदर्भ में कुछ बदले हुए लग सकते हैं, और आने वाले कल आपको लग सकता है कि ये विचार गलत थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये विचार सही या गलत नहीं है, ये विचार आज के संदर्भ में इसका हमको ध्यान में रखना चाहिए। कल जो संदर्भ नहीं थे वो आज उपस्थित है, इसलिए कुछ और सोचना पड़ता है, और आज जो संदर्भ है वो कायम रहेंगे, ऐसा नहीं दूसरे आ जाएंगे तो उसको बदलना भी पड़ सकता है। लेकिन आज के संदर्भ में भी जो हम विचार करते हैं उसके विचार करने के लिए दृष्टि कौन सी है, लक्ष्य कौन सा है और मार्ग कैसा है, ये बातें नहीं बदलती, संदर्भ बदलते। आज का वैश्विक संदर्भ यानी क्या है, आज के विश्व की स्थिति क्या है और आज के विश्व की आवश्यकता क्या है। आज हम कहते हैं कि बहुत बड़े विकसित विश्व में हम रहते हैं, जो मनुष्यों को पहले राहत नहीं थी वो आज मिलती है, अनेक रोगों के लिए दवाइयां मिलती है, अभी इस विश्व के आधुनिक जीवन का लाभ अभी जिन तक नहीं पहुंचा वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है जैसे बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन सबके सब जीते हैं ऐसा नहीं, बीच में ही मर जाते, बड़े होने के पहले ही मर जाते। उसका प्रमाण जहां इस विश्व की आधुनिकता का स्पर्श नहीं है वहां बड़ा है। तो आज के विश्व में ये सुविधा मनुष्यों के लिए उपलब्ध है, जिस समृद्धि की कल्पना 100 वर्ष हम नहीं कर सकते थे, दो सौ वर्ष पहले हमने ये कल्पना नहीं की थी कि पीने के लिए नदी का पानी घर बैठे टोटी में आ जाएगा, हमने ये कल्पना नहीं की बिना घोड़े बिना बैल कोई गाड़ी हमको इधर से उधर ले जाएगी, यात्रा करना इतना आसान होगा कि सामान्य मनुष्य भी हवाई यात्रा कर लेगा, मजल दर मजल करते हुए यहां से दिल्ली जाने के लिए 15 दिन 20 दिन महीना लगता था, उन 2 घंटे में जाके काम करके शाम को घर में भोजन के लिए वापस आ सकते। इस गति की हमने कल्पना नहीं की थी, उस सुविधा की हमने कल्पना नहीं की थी। तरह तरह की सुविधाएं और तरह तरह के भोगों से युक्त ऐसा सुविधामय उपभोगमय जीवन मनुष्यों को आज प्राप्त है। दूसरी बात है कि विश्व बहुत निकट आया है, पहले तो विश्व में दूसरे कोने में क्या चल रहा है इसकी वार्ता भी किसी दूसरा कोई कोना है ये भी लोगों को मालूम नहीं होता था। बाद में लोग यात्रा करने लगे जहाजों से वगैरह, तो मनुष्य सफर पर निकल गया तो फिर वो वापस आएगा इसका भरोसा नहीं था, और वापस आता था वो भी 3-4 साल 5 साल 10 साल के बाद। मार्को पोलो की यात्रा ऐसी ही लंबी यात्रा, आज ये दुनिया नहीं रही है। पानीपत की लड़ाई में क्या हुआ, मराठों की पराजय हो गई कि विजय हो गई, कौन जिंदा रहे कौन मर गए इसकी वार्ता पूना में आने के लिए पानीपत से महीना भर से ज्यादा लगा, आज ऐसा कुछ नहीं है। अभी ईमेल भेजो 5 मिनट के बाद उत्तर आता है, दुनिया इतनी पास में आई है कि लोग आज वाशिंगटन में है कल पेरिस में है 2 दिन म्यूनिक में रहकर परसों दिल्ली में वापस आ जाएंगे। दुनिया इतनी पास में आई है कि एक दूसरे की
रहन सहन रीति रिवाज की पद्धति, एक दूसरे का विचार, तत्व ज्ञान, इतिहास, अनेक दुनिया के देशों का भूगोल आदि बातें बहुत आसानी से परिचित भी होती है और एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। विश्व एक बहुत बड़ा ग्लोबल विलेज ऐसा कहते हैं अंग्रेजी में, बहुत निकटता। और विज्ञान और तकनीकी की जो प्रगति है उसके कारण कई बातें जो पहले असंभव थी आसान हो गई। मनुष्य आगे आगे बढ़ने लगा, मनुष्य के भौतिक जगत के ज्ञान का अपरंपार विस्तार हुआ है। कभी कभी तो लगता है कि हमारे साधनों से जितना अधिकतम विस्तार हो सकता है उतना हो गया है, हो ही गया है, क्योंकि सारे ज्ञान के क्षेत्र में अब जो उच्चतम ज्ञान है वो अब उपकरणों से या ज्ञानेंद्रियों से नहीं होता है, वो अब चिंतन के द्वारा होने लगा है। अब गणित के समीकरण चलते हैं, कल्पनाएं चलती है और बाद में उनकी सिद्धता के लिए कुछ मिलता है क्या, ये खोजा जाता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। यहां तक ज्ञान बढ़ गया है और इसलिए बहुत लोग ऐसे कहने वाले आपको मिलेंगे कि पहले से एक बहुत अच्छे सुंदर नए विश्व में हम लोग रह रहे हैं। लेकिन ये अर्धसत्य है, क्योंकि दूसरा उतना ही बड़ा या कदाचित उससे अधिक बड़ा वर्ग ये कहेगा कि उपभोग तो सब प्रकार के मनुष्यों को उपलब्ध है लेकिन सर्वत्र समान उपलब्ध नहीं है। भोगों के वितरण में विषमता है और विषमता का कारण केवल साधन मर्यादित है और इच्छाएं अनंत है, अनंत लोगों की इतना नहीं है, वितरण में अन्याय है। जंगल का कानून दुनिया में चलता है, जिसके पास सामर्थ्य है वो दुर्बल लोगों का उपयोग कर लेता है और उनके पेट पर और गले पर पैर रख के उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते जाता है। और इसलिए इतने सारे सुखों को भोग जहां पर है वहां पर मनुष्य का हृदय फट जाए ऐसे दुख भी दिखाई देते। इतने ज्यादा उपभोग है फिर भी चोरियां तो कम नहीं हुई, अपराध भी बढ़े। इस उपभोग में मनुष्य अपने समाधान को खो बैठा, मनशांति को खो बैठा। विज्ञान और तकनीकी की इतनी प्रगति हुई, इसके आगे एक वाक्य जोड़ा जा सकता है कि इतनी प्रगति हुई कि मनुष्य ने अपने जीवन को स्वर्ग बना दिया। वैसे दूसरा भी वाक्य उससे ज्यादा जोर से जोड़ा जा सकता है कि मनुष्य ने अपने जीवन को हिंसा करने वाला, संहार को जन्म देने वाला नारकीय जीवन बना दिया। तकनीकी बनी, प्रगत हुई तो नए नए जीवाणु मनुष्य खोज के निकालता है और मनुष्य के संहार के लिए उसका उपयोग करने की कल्पना करता है। पता नहीं ये कल्पना सत्य में आई है कि नहीं आई है, अभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन अनुमान तो सब लोग करते हैं। विज्ञान के ही कारण अण्वस्त्र पैदा हुए, ज्ञान के विस्तार का उपयोग दुनिया को सुखी बनाने के लिए कम हुआ, दुनिया को नष्ट करने में ज्यादा हुआ। ज्ञान बढ़ा तो लालच बढ़ी, क्योंकि सामर्थ्य आ गया। एक ऐसे ही फिल्म आई थी, पर्यावरण विषय पर फिल्म आई थी बहुत पहले 2009 में, फुल लेंथ फीचर फिल्म, और उसमें कोई कथा वस्तु वगैरह नहीं थी। सभी देशों के जो प्रमुख थे, शासन प्रमुख, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में जिनका व्यासंग है, ऐसे विद्वान, चिंतक, शास्त्रज्ञ, आज की परिस्थिति के बारे में उन सब का मत लिया गया था और अंत में निष्कर्ष रूप में और ये बताया गया
जब वो फिल्म एक जगह चल रही थी, मुझे कार्यक्रम में जाना था, 20 मिनट का अवकाश था, इसलिए मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया। और चूंकि कार्यक्रम बड़ा था, उसकी व्यवस्था में सारे कार्यकर्ता लग गए, मैं अकेला रहा वहाँ। तो वो कार्यकर्ता जानता था इनको अकेले बैठना पड़ेगा, इसलिए वो टीवी ऑन करके चला गया। उसने देखा नहीं चैनल कौन सा है, तो चैनल HBO था, उस पर ये चल रहा था। आखिरी का कंक्लूजन मुझे सुनने को मिला, उसमें वो कहता है कि पहले मनुष्य के साधन मर्यादित थे, इसलिए उसको ज्यादा प्राप्त करने की ताकत ही नहीं थी। तो दुनिया में जो बहती ऊर्जा है, जो बहते रहती है, उससे निकालो, वो कम नहीं होती। आते सूर्य प्रकाश है, उपयोग कर लो, कल फिर से है। हवा बहती है, चक्की चला लो, कल फिर से बहेगी, वो कम नहीं होती। उसकी आपूर्ति सृष्टि के द्वारा होती रहती है। उसका उपयोग करके वो अपने जीवन चला, अपने जीवन को चलाता था। अधिक से अधिक अगर वो कुछ सीमित भंडार ऊर्जा के है उनका उपयोग करता था, तो जमीन के ऊपर लकड़ी, जमीन के नीचे कोयला, इससे ज्यादा उसकी पहुंच नहीं थी। अब विज्ञान प्रगत हो गया और उसके हाथ में ज्ञान आ गया, साधन आ गए, कला आ गई, बुद्धि आ गई, और संस्कार वही रहे, तो वो सब कुछ उपयोग करते जा रहा है। दुनिया की जो स्थाई भंडारों की ऊर्जा है उसको उन्होंने खत्म करना शुरू कर दिया है। तेल खत्म हो रहा है, कोयला खत्म हो रहा है, और इसलिए एक तरफ ऊर्जा का संकट पैदा होने जा रहा है, दूसरे तरफ इन भंडारों के खत्म होने से और विश्व के और संरचना में जो कमी आती है उसके चलते पर्यावरण का प्रकोप हो रहा है। तो इसके कारण हम है, हमको त्याग और संयम के मूल्य पर चलना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि हम प्रकृति के एक अंग है, प्रकृति के स्वामी नहीं है, ऐसा वो कहता है। दुनिया कितनी निकट आ गई है, निकट आने से झगड़ा कितना बड़ा है। हम कहीं भी पहुंच सकते हैं आज, जिसको अंग्रेजी में रिमोट एरिया कहते हैं, वहां तक रास्ते बन गए, जिसमें जाना संभव नहीं था वहां उड़कर जाते हैं, तैर कर जाते हैं, जा सकते हैं। हम कहीं भी पहुंच सकते, किसी के पास भी पहुंच सकते। हम अपने पड़ोसी से भी दूर हो रहे हैं, बहुत चौड़े अच्छे रास्ते बन गए, रास्ता क्रॉस करके अपने पड़ोसी के घर जाना बंद हो गया। और इतनी दुनिया पास आई, पास आते आते दुनिया ने दो विश्व युद्ध कर डाले और तीसरे का खतरा मंडरा रहा। ऐसा कहते हैं कि एक अलग रूप में वो तीसरा महायुद्ध चल ही रहा है। यहां पर मारकाट होगी, वहां पर मारकाट होगी, यहां असंतोष, वहां असंतोष, कौन सुखी है, कोई सुखी नहीं, सब लोग आंदोलन करते, मिल मालिक आंदोलन करते, मिल का मजदूर आंदोलन करता है, मालिक भी आंदोलन करता है, सेवक भी आंदोलन करता है, सरकार भी आंदोलन करती है, सरकार में जो लोग है दूसरी जगह नहीं है तो वहां आंदोलन करते, जनता भी आंदोलन करती है, छात्रों का भी आंदोलन है, शिक्षकों का भी आंदोलन है, सभी दुखी, सभी असंतुष्ट, और सभी में कलह। इतना प्रगत हो गया विज्ञान, इतने निकट आ गए लोग, ज्ञान की कक्षा इतनी बढ़ गई, कट्टरवाद बंद हुआ नहीं हुआ, हिंसा बंद हुई नहीं हुई, उग्रवादियों का संकट चला गया नहीं चला गया, वो बढ़ते चला जा रहा है। विश्व का एक संदर्भ है जिसमें धन बल विश्व का बढ़ा है, साधन बल बढ़ा है, उसके कारण मनुष्य का अपना बल भी बढ़ा है, आयु मर्यादा बड़ी हो गई है, रोगों से मुक्ति मिल गई है, अधिक स्वस्थ बन सकते हैं सब लोग, और ज्ञान भी बढ़ गया है। परंतु परिणाम क्या हो रहा है, विवाद बढ़े, कलह बढ़े, खून खराबा हो रहा है। ये भी एक दूसरा संदर्भ है। ऐसा क्यों हुआ है? तो अपने यहां ऐसा कहते हैं कि ये दृष्टि का परिणाम है,
सबको यह प्राप्त होने के बाद भी परिणाम क्या निकालना है तो हमारी बुद्धि पर है ना। तो जिसकी दुष्ट बुद्धि है वो क्या करता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। ज्ञान बढ़ता है उसका उपयोग विवाद के लिए करता है, अपने अहंकार को लेकर मेरी ही सही बाकी सब गलत इस अहंकार में चलता है, अथवा उसका उपयोग करके लोगों को आपस में लड़ाने के लिए जो करना चाहिए वो करता है, चल रहा है अपने यहां। नया नया मन गढ़ंत ऐसा कुछ रचकर उसको कच्चे दिमागों में भरकर उनको एक दूसरे के द्वेष्टा बनाने का काम अपने यहां तो चल ही रहा है, सारी दुनिया में चलता है। साधन आ गया है सोशल मीडिया जैसा, कितना अच्छा साधन है, सारी जानकारी मिल सकती है, एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक दूसरे से विवाद करते हैं, जानकारियां भ्रष्ट करके इधर उधर भेजते, ये सारी बातें होती है। क्यों, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस, ये दुष्टों की नीति है। वो उन विद्या का उसका परिणाम नहीं, वो साधनों का प्रताप नहीं है, प्रताप है इस दुष्ट बुद्धि का। साधोर विपरीत भेद, अच्छे लोग इससे विपरीत करते हैं, ज्ञानाय धाराय च रक्षणाय, विद्या का उपयोग लोगों का ज्ञान बढ़ाने में करते हैं, धन का उपयोग दान करके लोगों का जीवन अच्छा करने में करते हैं, और बल का उपयोग दुर्बलों को सुरक्षित करने में करते हैं। ये दृष्टि का फर्क है। अब यहां दुष्ट और सज्जन कहा है, लेकिन हमको बिना कारण किसी को दुष्ट कहने की आवश्यकता नहीं है, वैसे दुष्टता होती भी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य, हम ऐसा मानते हैं संघ के लोग, कि मूलतः अच्छा मनुष्य होता है। बहुत ऐसे अपवाद दुनिया में 10% लोग होंगे जो पैदाइशी दुष्ट लोग हैं, पैदाइशी अच्छे लोग भी 10% ही होते हैं, बाकी सारा मानव समाज ये परिस्थिति के कारण चलता है, उसको जैसी परिस्थिति मिले उसमें उसको जीना है, जीने के लिए जो करना है वो करना है, जीने के लिए अच्छा करना आवश्यक है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, जीने के लिए बहुत खराब करना आवश्यक है वो खराब करने से पीछे नहीं हटता, उसको जीना है। और समस्या यही है, जिए कैसे, क्योंकि जीना है सुख से जीना है, सुख से जीना है तो सुख कहाँ है, सामान्य बुद्धि से विचार करते सुख बाहर है, आज हमको अड़ दिया मिला, अड़ दिया जाड़े के दिनों में, अब जाड़ा खत्म हो रहा है लेकिन आ गया, अब अड़ दिया में सुख है तो कितने खाएंगे, 2, 4, 5, 10, 60, 70 कितने, 100-100 वाले भी हो सकते हैं पुराने जमाने के कुछ लोग, लेकिन एक तो समय आता है जब अड़ दिया दिखाया तो कहता नहीं बहुत खाया, आप सामने मत लाओ, जबरदस्ती से मुंह ढोता उल्टी हो जाती। लेकिन अब क्या करें, अड़ दिया तो वही है, शायद ये समझ में भी आता है कि सुख उसमें नहीं है, लेकिन सुख है कहाँ ये पता नहीं चलता, इसलिए दुनिया हमेशा सुख खोजती है बाहर की बातों में, बाहर की बातें मर्यादित संख्या में मर्यादित प्रमाण में है, हमारी इच्छाएं अमर्याद है और हमारी जनसंख्या भी अमर्यादित होते चली जा रही है। गांधी जी ये कहते थे कि देर इज इनफ इन नेचर फॉर यूर नीड बट नेचर डज नॉट कैटर टू यूर ग्रीड, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज जनसंख्या इतनी बड़ी है कि डर लगता है कि वेदर देर इज इनफ फॉर अवर नीड, इतने हम हो गए, और इसलिए फिर स्पर्धा करो, चीजें कम है, आदमी ज्यादा है, आवश्यकता ज्यादा है, तो दौड़ दौड़ के पहले प्राप्त को, जो पहले हाथ मारेगा उसको सबसे ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए स्ट्रगल है, और स्ट्रगल है तो फिर यानी संघर्ष है, तो जो बलि है वही संघर्ष में विजेता होता है।
तो ये बलवानों की दुनिया है, ये दुर्बलों की दुनिया नहीं। बलवानों की दया पर दुर्बल जीवित रह सकते हैं, और बलवान कहते हैं कि मुझे जीना है, सुख से जीना है, दूसरा उपाय नहीं है, तो दुर्बलों का उपयोग करूंगा, जो उपयोग है उनको रखूंगा, जो नहीं है उनको रौंदते चला जाऊंगा। यही सत्य है दुनिया में। देखो बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है। सामान्य बुद्धि से दुनिया को देखेंगे तो यही सत्य होता है, लेकिन सामान्य बुद्धि से दुनिया को देखना यानी जानवरों की बुद्धि से दुनिया को देखना है, क्योंकि सामान्य बुद्धि क्या है? सामान्य बुद्धि यही है, मुझे जीना है, सुख से जीना है, जीने के लिए खाना पड़ता है, जीने के लिए विश्राम भी चाहिए, जीने के लिए मरने से बचना पड़ता है, मरने के खतरे को डरना और सावधान रहना ये करना पड़ता है, और सब करने के बाद भी 100 साल के बाद तो मनुष्य मरेगा ही। कुछ होते हैं 500-500 साल जीने वाले जीव, उसके बाद तो वो मरेंगे ही, अमर तो कोई है नहीं, इसलिए मेरे बाद भी मैं रहूं इसकी गारंटी क्या है? तो मेरी अपनी कोशिकाओं से उत्पन्न मेरे जैसे जीव बढ़ते रहे यानी प्रजोत्पादन होता रहे। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिर्नरः। सामान्य बुद्धि यही है, इसके लिए जीना है। पशु कैसे है ना, वो जन्म लेता है, वो विचार ही नहीं करता, हम यहाँ चिंतन कर रहे हैं। पशु का चिंतन, वो जन्म मिला है, जन्म लेने के बाद उसको भूख लगी है, भूख लगी है तो जहाँ खाना मिलेगा खाएगा, अच्छा मिले अच्छे से मिले वैसा करेगा, नहीं चोरी ही करनी पड़ेगी चोरी करेगा। एक बार खाना मिलने के बाद अपमान होता है तो भी मुंह की रोटी नहीं छोड़ूंगा। कुत्ता रोटी लेके भागता है, लाठी पड़े पत्थर पड़े भोकता भी नहीं है क्योंकि रोटी छूट जाएगी। सामान्य बुद्धि, उसको मालूम नहीं, उसके इतना मालूम है मरते दम तक जीना है, उसको मरने का दुख नहीं है, जब मृत्यु आएगी मर जाएंगे और क्या है, जन्मे क्यों पता नहीं, जन्मे है ये बात नहीं, मर जाएंगे, मरने के बाद क्या कुछ नहीं, इसलिए कोई विचार नहीं, ये सामान्य बुद्धि है। लेकिन मनुष्य चिंतन करता है, मनुष्य विचार करता है, विचार बंद करेगा तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा, ऐसा हो गया। ये जो हमको विश्व के संदर्भ में द्वैत दिख रहा है उसका कारण है कि एक मर्यादा के बाद दुनिया ने विचार करना छोड़ दिया। अपने यहां कथा है, इंद्र और विरोचन गए वैभव के शिखर पर, दोनों समाज थे असुर और देव, कुछ कमी नहीं थी, सब सुख भौतिक सुख हाथ जोड़ के हाजिर दी इच्छा करने पर, लेकिन मन में कोई सुख नहीं, समाधान नहीं, रात को नींद आती नहीं, कुछ तो भी तृष्णा है क्या है ये भी समझ में नहीं आता। गए अपने गुरुओं के पास, बृहस्पति के पास इंद्र, और विरोचन गया शुक्राचार्य जी, पूछा कि ऐसी स्थिति है क्या किया जाए, सारे समाज को सब कुछ उपलब्ध है, सारे समाज में सबकी यही स्थिति है। तो देवगुरु बृहस्पति ने भी बताया, शुक्राचार्य जी भी विरोचन को बताया कि देखो ब्रह्मा जी है, उनके पास जाओ, उनके पास एक आत्मविद्या है जिससे आत्मा को जाना जाता है, आत्मा को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, आत्मा को पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, पाने की इच्छा भी शेष नहीं, मनुष्य संपूर्ण सुखी हो जाता है। तो दोनों वल्कल धारण करके हाथ में संविदा लेकर गुरु के पास, यानी गुरु के नाते ब्रह्मा जी को आह्वान करने के लिए गए। उस समय के गुरु ज्यादा कुछ मांगते नहीं थे, रोज के होम उनके लिए संविदाएं थी, हो गया। ये गए, उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया, ब्रह्मा जी ने आंखें खोल कर देखा इंद्र और विरोचन वल्कल पहनकर आए हैं, संविदाएं एक कोने में रखकर दोनों आकर और पद्मासन में बैठ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम शिष्य भाव से आए हो, क्या सीखना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हमने ऐसा सुना कि आपने आत्मा को देखा है, जो अमर है, शाश्वत है, कभी मिटता मरता नहीं, जिसको पाने से कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, जिसको जानने से कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, उस आत्मा को कैसे हम देखें, हम उसको कैसे पाए बताओ। तो ब्रह्मा जी ने, आसान बात है, तुम देख रहे हो, देखना चाहते हो तो देख रहे हो, देख रहे, कैसे देख रहे, आंखों से देख रहे। तो आंखें तो यंत्र है तुम्हारा देखने का,
उन आंखों में देखने वाला कौन बैठा है उसको देख लो मिल जाएगा। अब आंखों में जो बैठा है उसको कैसे देखना, तो विरोचन को खड़ा किया इंद्र ने कि मैं तुम्हारी आंखों में देखकर बताता हूं कौन देख रहा है, तुम मेरे आंखों में देखकर बताओ मेरे आंखों में कौन देख रहा है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा तो अपना ही प्रतिबिंब दिखता है, आंखें तो दर्पण है बाहर वालों की। तो दोनों ने मान लिया कि हम ये जो दिखते हैं हाड़ मांस के यही हम आत्मा है, दुनिया का सत्य क्या है ये मैं हूं, जब तक मैं हूं दुनिया है, मैं नहीं दुनिया कुछ नहीं, मैंने रहना है मैंने जीना है मैंने सुखपूर्वक जीना है, मरना है मजबूरी है तब शांति से मरना है बस, इसके लिए जो करना है करो वही सब कुछ है। आनंद में दोनों वापस निकले, वैतरणी नदी पार करने के लिए नौका में बैठे, इंद्र देख रहा था नदी के प्रशांत जल में अपना प्रतिबिंब और देखा कि नौका के चप्पू चलने लगे तो तरंगों से प्रतिबिंब नष्ट हो गया। इंद्र ने सोचा ये आत्मा तो अमर है और हमने तो देखा अभी आंखों में भी देखा जल में भी देख रहे हैं, वो तो नष्ट हो गया तो कुछ तो गड़बड़ है, ब्रह्मा जी ने जो बताया एक पहेली थी और हम उसमें भूल गए चूक गए। फिर विरोचन को कहा कि विरोचन वापस चलो ये कुछ गड़बड़ है, ब्रह्मा जी ने एक झांसा दिया आपने फिर से पूछो। विरोचन ने कहा नहीं बस सब हो गया, बहुत दूर आया मैं वैतरणी पार करके ब्रह्मा जी को मिलके उन्होंने बताया आंखों में देखने वाला को नहीं देख लो, मैंने देख लिया मेरी जो आंखें साफ है मैंने अपने आप को देखा, मैं तो नहीं आगे आगे मैं सोचूंगा नहीं, यही सत्य है। ये जो जितना मैं मेरे हिसाब से जान सकता हूं मेरे साधनों से जान सकता हूं, जितना मैं अपने साधनों से और ज्ञान इंद्रियों से जान सकता हूं वही है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है, ऐसा जो मानने वाली संस्कृति आसुरी संस्कृति। इसलिए हम अपने आप को बलिष्ठ बनाएंगे और जो हमारे शरण में है अपने आप को हमारे उपयोग के लिए सादर करते प्रस्तुत करते उनको हम रखेंगे, बाकी को नहीं रखेंगे। वयम रक्षा महा वो राक्षस, और जिन्होंने आगे सोचना ब्रह्मा जी की पत्र वापस गया ही फिर से वो प्रश्नोत्तर की सीरीज शुरू हो गई और एक दिन उसको सत्य मिल गया, और सत्य मिल गया तब से उस सत्य के सतत अनुसंधान को उस संस्कृति ने लोगों ने जारी और रुके नहीं, पूर्ण सत्य प्राप्त होने के बाद भी वो रुके नहीं, उन्होंने कहा कि ये मुझे मिला लेकिन तुमको मिलना है तो तुम प्राप्त करो, क्योंकि ये सत्य ऐसा है कि देखने वाला अपनी दृष्टि से उसको देखता समझता है, मेरा समझना तुम्हारी उपयोग का नहीं, मैंने ऐसा किया तो मुझे समझ में आया, तुम ऐसा करके देखो तुमको क्या समझ में आता है तुम समझो। इसलिए गांधी जी कहते कि सत्य के सतत अनुसंधान का देश है हिंदुत्व, सत्य के सतत अनुसंधान की परंपरा का नाम है। हजारों वर्षों तक ये काम करते करते आज हिंदू समाज थक गया है, उसकी थकान दूर होकर वो जागेगा तब पूर्वी से शतगुणित अधिक तेज से सारी दुनिया को प्रकाश देगा, गांधी जी ने कहा। अब इस अधूरी दृष्टि के कारण इसके पार कुछ नहीं है, परिणाम ये होता है कि जो दिखता है वो तो सब अलग अलग है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं मन में विचार कर रहे हैं, ये माइक है वो अलग है, मैं बोल रहा हूं इतना जोर से नहीं सुनाई देता माइक उसको जोर से करता है, लेकिन ये मेरे से अलग है, क्षेत्र संघ चालक जी अलग है प्रांत संघ चालक जी अलग है सब कुछ अलग है, अलग अलग है तो उसका अलग अलग स्वार्थ है, क्योंकि मुझे जीना है मुझे जीना है मरते दम तक जीना है, सामान्य बुद्धि से मैं विचार कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग जीते हो नहीं जीते हो उसका मुझे लेना देना कुछ नहीं, तब तक है जब तक आप मेरे उपयोगी हो, नहीं तो नहीं है। तो हर जो चीज दिखती है वो एक है कि वो अनेक है, पहले मैं देखता हूँ उसको तोड़ के, फ्रेगमेंटरी अप्रोच, तोड़ते 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 मैं पहुंच गया कणों तक, हिग्स बोसन तक पहुंच गया, अब आगे क्या होगा पता नहीं, कण इतने छोटे है कि वो ऊर्जा है कि कण है ये भी ध्यान में नहीं आता, कभी ऊर्जा जैसा रहते है कभी वो कण जैसा रहते है। ऐसी सारी कठिनाइयां है लेकिन मैं सब बातों को तोड़ के देखता हूँ, सब बातों को अलग मान के देखता हूँ
और इसलिए मेरे स्वार्थ के लिए जो उपयोगी वो मेरे, बाकी कौन वो मेरे नहीं, और जो विरोध करेंगे वो तो शत्रु। तो भेद की बात आती है, उसके बाद स्वार्थ की बात आती है, स्वाभाविक रूप से कलह उत्पन्न होता है, कट्टरता एक समस्या होती है, अहंकार एक समस्या होती है, आपस की भेद दृष्टि के कारण एक दूसरे को अलग मानना और कलह करना एक तीसरी समस्या होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सबको एक यूनिफॉर्म में ठूसने का प्रयास करने का कट्टरवाद वो तीसरी समस्या होती है। ये सारा चल रहा है विश्व में आज का ये संदर्भ। पर्यावरण को मैं अपने स्वार्थ के लिए चाहे जैसा चूसता हूं, कल की फिक्र नहीं करता हूं, ना अन्य लोगों की फिक्र करता हूं। मेरा जीवन चलाने के लिए मैं आधी दुनिया को, जिसको साउथ साउथ कहते हैं, उसको चूज कर मैं अपना जीवन चलाता हूं। मेरी 4% जनसंख्या के लिए दुनिया के 40% संशोधन में प्राप्त संसाधन प्राप्त करता हूं, नहीं मिलते हैं तो जबरदस्ती करता हूं। विश्व की एकता के नाम के सबको एक झोला पहनने की बात करता हूं, अपना डंडा जलाकर उस एकता की आड़ में अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की कोशिश करता हूं। क्या भूमिका रही जो प्रबल देश बने? पिछले 1000 वर्षों में दुनिया में सामर्थ्य संपन्न बने देशों का सोच समझकर योगदान क्या रहा? कुछ तो हुआ है, एक एक देश समर्थ हुआ, उसने कुछ ना कुछ दिया है दुनिया को। अनेक बातों के आधार पर देश बने, संप्रदायों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, अर्थव्यवस्था के समानता के आधार पर, कई प्रकार से तरह तरह के देश राष्ट्र बने, बड़े हुए, दुनिया को कुछ दिया, मिट्टी में मिल गया। लेकिन दिया वो सोच समझ के दिया, दिया वो आपातता दिया, मुख्यतः उनको जो लेना था वो लेने के लिए उन्होंने अपने बड़पन का उपयोग किया। आज भी वही है, आजकल उनको महाशक्ति कहते ना, रशिया महाशक्ति बनी, क्या किया? अमेरिका महाशक्ति बनी, क्या कर रही है? चीन बनेगा, क्या करेगा, क्या झलक मिल रही है? दुनिया भर में अपना डंडा चलाना, बड़ी बड़ी तात्विक सुंदर सुंदर घोषणाएं करके उनके आड़ में दुनिया के निरीह और भोले देशों को अपने अधीन करके अपने स्वार्थों को पूरा करना, इससे दूसरा कुछ किया है क्या? देने की बातें बहुत की है लेकिन खुद होके कुछ नहीं दिया है। जब कुछ दिया है तब कहीं ना कहीं से दबाव में फंस गए, इसलिए देना पड़ा, इसलिए दिया है। आज के विश्व का संदर्भ जब हम सोचते हैं तो उस संदर्भ में ये दूसरी बहुत खतरनाक एक परत उस संदर्भ में है जिससे सारा विश्व त्रस्त है, और भारत की भूमिका इन सब बातों को निर्देशित करके कुछ करने की है, क्योंकि भारत पहले से ऐसा है। भारत का ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य, भारत नाम कैसे है? 3 भारत थे जिनके कारण हम भारत है। एक सबको पता है, शकुंतला का पुत्र, दुष्यंत का पुत्र भरत चक्रवर्ती ऐसा निर्भय कि शेर के जबड़े को खोलकर उसके दांत गिनता था, और इतना सारे जंगल के पशु पक्षी और वनवासियों का मित्र कि वो उसके साथ खेलते थे। शेर को कुछ नहीं लगता था एक छोटा बालक अपना जबड़ा खोल के दांत गिन रहा है, वो उसको करने देता था, ये मित्रता थी, इतना प्रेम था और इतनी निर्भयता थी, और बलिष्ठ था, चक्रवर्ती सम्राट बन गया, उसके कारण हम भारत है। शक्ति संपन्न था, दुर्बलों की बात दुनिया नहीं सुनती। सबसे पहला कर्तव्य भारत का ही रहेगा, दुनिया में कुछ करना है तो हम उस चक्रवर्ती भरत के भारत है, अपने आप को बल संपन्न, सामर्थ्य संपन्न, सब प्रकार से वैभव संपन्न अपने आप को बनाना होगा। लेकिन हम केवल वैसे नहीं है, दूसरे एक उससे भी प्राचीन भरत थे, बहुत प्राचीन भरत, उनको जड़ भरत भी कहा जाता है। वो राजर्षि थे, महर्षि।
और दुनिया की निस्सारता और दुनिया का मिथ्यापन ध्यान में आने के बाद वो जो ब्रह्म भाव में लीन हो गए तो जड़ बन गए, किसी से बात नहीं, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं, खाने पीने के सुनने, लोगों ने उनको क्या डिसेबल्ड कहते ना, ऐसा समझ लिया, हैंडीकैप्ट। कुछ लोग दया करते थे, कुछ लोग मजाक करते थे। एक बार एक राजा ने देखा कि निठल्ले बैठे अच्छे हट्टे कट्टे है, तो अपनी पालकी ने उनको जोत लिया, चलो पालकी उठा सबके साथ। अब वो क्या, जिसने जो कहा वो करते थे, जो अपनी इच्छा भी नहीं थी, उठाई पालकी चल दी सबके साथ। चार कहार होते हैं ये, उसमें एक, लेकिन ये चलते थे तो कीड़ा मकोड़ा आ गया तो कूद जाते थे, बिना किसी को धक्का दिए चल रहे, वो बिना किसी को धक्का दिए चल रही, इधर धक्के पर धक्के बैठ रहे राजा को। तो उसने इनको डांटा, डांटने के बाद ये बोल पड़े, प्रेरणा हुई होगी अंदर से कि राजा तुम किसको क्या कह रहे हो, कौन क्या है, तुम क्या हो, मैं क्या हूं, ये दिखता है वो है कि नहीं है, तुम जानते हो क्या क्या है, ऐसा उन्होंने उपदेश करने के बाद उनको पता चला। ऐसे महान तत्व ने राजर्षि थे सब छोड़कर विश्व के सत्य को पकड़कर उस सत्य के आचरण पर चलने वाले, लोग गाली देंगे, मूर्ख समझेंगे, परिश्रम करने को लगाएंगे तो भी सत्य में निष्ठा इधर उधर नहीं होती, जीवन का वही उद्देश्य है सत्य पर चलना। ये भी भारत, उस भारत से ये भी भारत है। और ऐसा दोनों होने के कारण भरत बाहुबली का भी अपना भारत है। भरत बाहुबली ने अपने सामर्थ्य को सिद्ध कर दिया, भाई और वो उनमें सिंहासन का विवाद भाई ने किया, अंत में बात ये हुई द्वंद्व करो, जो जीतेगा उसको सिंहासन मिलेगा, द्वंद्व हुआ, जो मरेगा वो हारेगा ऐसा था, या जो हारेगा वो मरेगा ऐसा ही था। तो उन्होंने अपने भाई की दुर्गति कर दी और अंत में उसको ऊपर उठाया पटकने के लिए। ऊपर उठाने के बाद उनके मन में विचार आया, मैं क्यों कर रहा हूं राजा के लिए, भाई को मार रहा हूं। उन्होंने उसको सावधानी से नीचे रख दिया और कहा कि राज्य ही तुच्छ, तुमको अपने बल का गर्व था, मैंने बता दिया, तुम बल से मुझे पराजित नहीं करते, लेकिन ये किस लिए कर रहे हैं हम लोग अपने बल का उपयोग, ये ऐसे सुख के लिए जो क्षणभंगुर है। मुझे तो दुनिया का उच्च बोध प्राप्त करना है, मैं उसके लिए हूं, राज्य तुम करो सुखपूर्वक करो। उस भरत से भी हम भारत हैं, हमारी भूमिका हमेशा यही रही है और यही रहना अपेक्षित है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हे भारत, तुम्हारा जन्म दुनिया के सुखोपभोगों का उपभोग करने के लिए नहीं है, तुम तो काली माता की बलि वेदी पर बांधे हुए बलि जाने वाले पशु हो, त्याग के लिए तुम्हारा जन्म है, लोक हित के लिए तुम्हारा जन्म है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। निर्भय बनो और मां की प्रार्थना करो कि मां मुझे मनुष्य बनाओ, मुझे मनुष्य बनाओ। पूर्वजों ने हमको बता के रखा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् कृजन्मनात् स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। ये जो आज के विश्व के संदर्भ में ये दुविधाएं दिखती है कि एक तरफ बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ बहुत ही अच्छे को भी बिगाड़ देगा, ऐसा बुरा है, क्या इस दुनिया में सुख मिलने वाला नहीं, ऐसे ही रहने वाला है? हमारे यहां स्पष्ट दृष्टि ऐसा नहीं है। इस दुनिया को समझो, जानो, भौतिक ज्ञान प्राप्त करो, जड़ वस्तुओं का भी ज्ञान प्राप्त करो, जीवन जीना है, जीवन से भागना नहीं है, ये निश्चय है, मिथ्या है, असार है, लेकिन इससे भागना नहीं, इसमें से जाना है। और इसलिए 100 साल तक कर्म करते करते जीने की इच्छा
धारण करके जियो। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी विषय छतस्सम, क्योंकि अविद्या से इस जीवन को हम सुखकर बना सकते हैं। सुखकर यानी हमको जो लक्ष्य है उस परम सत्य को प्राप्त करना, उस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए हम समर्थ बने और विश्व का प्रत्येक जीव उस नगर पर चले, ऐसा वातावरण बनाने के लिए जैसा जीना चाहिए, उसके लिए अविद्या का ज्ञान चाहिए। विद्या, धन और बल, इसका उपयोग क्या करना, ये साधु बुद्धि से करना, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ऐसा जीना है। और इस प्रकार मृत्यु के भय के परे होकर आध्यात्मिक साधना के द्वारा, विद्या के द्वारा हमको अमरत्व की प्राप्ति कर लेनी। अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या मृतम उष्णते, ये जीवन का तरीका है हमारा। और इसलिए जीवन के सब अंगों में हमने उत्कृष्टतम आदर्श को प्रस्थापित किया और 3000 वर्षों तक दुनिया का आर्थिक बौद्धिक सब प्रकार से नेतृत्व किया। ये हमने किया है, वही हमारी भूमिका रही। हमने नेतृत्व इसलिए नहीं किया, सारे दुनिया पर हमारा साम्राज्य नहीं था, साम्राज्य वहीं के लोगों का था। हम अधर्म का नियंत्रण करते थे, धर्म को स्थापन करते थे। रावण को जीतने के बाद राम वहां बसे नहीं, राम ने विभीषण को राजा बनाया, वापस आ गए। कौरवों का निपात करने के बाद संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती युधिष्ठिर नहीं बने, दूसरे राज्य सूर्य यज्ञ में उन्होंने अर्जुन को अफगानिस्तान के बाद रोक दिया, उधर मत जाओ, वापस आओ। और आज के बाद भारतवर्ष के आप लोग जहां तक चारों भाई गए वहां तक भारत की सीमा है, उसके परे कोई नहीं जाएगा युद्ध करने के। तो इसलिए कि हमको दुनिया को लूटना नहीं था, हमको दुनिया को देना था। दुनिया को देखने की हमारी दृष्टि माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्, ये हमारा ही अपना देश है, ऐसा हम दुनिया को मानते हैं। इसमें हमारा आपका अलग अलग नहीं है। अयम निज परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम्, ये हमारी घोषणा है। हमने ग्लोबल मार्केट की घोषणा नहीं की, हमने ग्लोबल फैमिली की घोषणा की, जो स्वार्थों के आधार पर नहीं चलती, जो अलग अलग मानकर एक दूसरे को नहीं चलती। सब जोर अपनत्व का संबंध मानकर जीती है और जिलाती है, अपने विकास से सबका विकास साधती है, सबके विकास के लिए अपने विकास का बलिदान देने के लिए भी तैयार रहती है। ऐसी जीवन पद्धति हमको सिखाना है, यही हमारी भूमिका है। उसके लिए आवश्यक अर्थ काम का धर्म के अनुशासन में संतुलन साधने का काम हमको दुनिया को सिखाना है, हमको दुनिया को धर्म देना है, यह हमारा प्रयोजन है। ये नई व्यवस्थाएं हमको देनी पड़ेगी, ज्ञान विज्ञान तकनीकी बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए, लेकिन मनुष्य यंत्र नहीं बनना चाहिए। खतरा यह है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, इसलिए लोग कल्पना करने लगे। ओरिजिन नाम की वो नाम का उपन्यास आया डैन ब्राउन का, वो जो डा विंसी कोड वाला है उसी का उपन्यास है, पढ़ी, उसमें उसने कल्पना की है। और वो कहता है कि आगे ये मनुष्य जाति समाप्त हो जाएगी, अपने ही कर्मों से अपने को ही खा जाएगी और उसकी जगह मशीन्स लेंगे। अभी होने लगा है, आपके अंदर धातु के स्टेंट है, आपके हार्ट के अंदर एक बैटरी है पेसमेकर, वो आपके जीवन को चला रही है, एक्सटेंडेड बोनस देगी। के हाथ पैर कृत्रिम होते चले जा रहे हैं, मोबाइल तो ऐसे चिपक गया है आपको कि वो भी आपका अंग बनकर ही रह जाएगा कुछ दिनों के बाद। ये सारी बातें हो रही, वो कहते हैं एक समय रहेगा मनुष्य और मशीन का हाइब्रिड, बाद में मशीनों की दुनिया, उसकी कोई कल्पना कर सकता है?
ऐसा भयावह एक चित्र भविष्य का, ये भय नहीं रहेगा। तकनीक की प्रगति होगी, मनुष्य उसका उपयोग करेगा, लेकिन वो तकनीकी मानवीय तकनीकी रहेगी, स्वामी मनुष्य रहेगा, क्योंकि मनुष्य के मन में परमात्मा का वास है। परमात्मा विश्व में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, मनुष्य के रूप में उसका आस्वाद लेता है, और मनुष्य के रूप में मनुष्य स्वयं की और सारी दुनिया की उन्नति करते करते उसको परमात्मा की ओर बढ़ाता है। ये काम मशीन नहीं करने वाला, ये भूमिका है भारत की। और इसलिए भारत को पहला काम है बड़ा होने का, समर्थ होने का, पहला काम है स्वयं को जानने का। नहीं तो आज इस बात को ही जानना दुभर हो गया है, नई पीढ़ी तो जानती ही नहीं, हम बताते भी नहीं, और हमारी पीढ़ी के अनेक लोग ऐसे हैं कि उनको इन बातों का गंध तक नहीं है। अगर हमने कहा कि हमारे पास कोई ज्ञान था, कोई विज्ञान था, तो वो हंसते हैं, उपहास करते हैं, विरोध भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। जो कुछ अच्छा है वो बाहर से ही आया है, ऐसा उनका मानना, लेकिन जो अच्छा बाहर से आया है उसके मूल में जाते हैं तो वो अच्छा वहां यहीं से गया है, ये भी कभी कभी पता चलता है। लेकिन उन्होंने वो कमरा बंद कर लिया है, ये ज्ञान हमको चाहिए नहीं, ये ज्ञान नहीं हमको देखना नहीं, उसको जानना नहीं, उसको कचरा पेटी में डालना है, ऐसी वृत्ति वाले लोग हैं। स्वयं की जो ग्लानी रखता है, स्वयं के बारे में जो लज्जा करता है, वो क्या दुनिया को बनाएगा। पहले भारत अपने स्व को जाने, उसके गौरव को जाने, उसको हृदय में धारण करके देश काल परिस्थिति अनुसार एक नया जीवन अपने शाश्वत सत्य संपूर्ण समग्र एकात्म मूल्यों के द्वारा दुनिया को देने के लिए बल संपन्न अपने आप को बनाए। हमको इन सारी समस्याओं का उत्तर पहले भारत के अंदर देना पड़ेगा, भेद का उत्तर हमको समानता से समरसता से देना पड़ेगा, दारिद्र्य का उत्तर हमको समृद्धि से देना पड़ेगा, वो समृद्धि नीति के साथ आएगी। ज्ञान के विज्ञान के क्षेत्र में भी हम बढ़ चलेंगे, जैसा एक गीत में कहा है, नील नभ के अर्थ भी, नील नभ ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के अर्थ भी हम क्षेत्र में साकार करेंगे, लेकिन ये सारा एथिक्स के साथ। हमारा विज्ञान जानलेवा नहीं होगा, जान देने वाला होगा, हमको ये अपने देश में करना पड़ेगा। हमको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा, हमको अपने आप को निस्वार्थी बनाना पड़ेगा, उसके सामूहिक प्रयास, सामूहिक योजनाएं कुछ चल रही है, कुछ और भी निकलेगी, चलेगी, वो चलेगी तब चलेगी, उसमें हमारा योगदान होना ही पड़ेगा। लेकिन आज से, अभी से, इसी क्षण से मेरे अपने जीवन को, मेरे घर परिवार की जीवन को तो मैं ऐसा बना सकता हूं ना, यहां से हमको प्रारंभ करना पड़ेगा। मेरे घर में और मुझे स्व के गौरव का पता है, उसके साथ में एकाकार हुआ, उसको लेके उन शाश्वत मूल्यों के आधार पर आज का देश काल परिस्थिति अनुरूप भेद मुक्त स्वार्थ मुक्त जीवन में रख जी रहा। मैं जितना ले रहा हूं उससे ज्यादा दे रहा हूं, और अगर आवश्यकता है तो अपने स्वार्थ की होली जलाने के लिए तैयार, सर्वस्व समर्पण के लिए तैयार, ऐसा अपने आप को बनाना तो हम इस क्षण से प्रारंभ कर सकते हैं, हमको रुकने की जरूरत नहीं है। योजना कुछ जय संघ काम कर रहा है, इसलिए और भी बहुत लोग हैं, और भी नए नए आएंगे और करेंगे, कि उनके लिए हम क्यों रुके, वो जब आएंगे हम हाथ लगाएंगे, कि हम पहले से ऐसा किएंगे। और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे जाना, अपनी बातों को स्थापित करना, बाकी लोगों की सही बातों को सहर्ष स्वीकार करना, आनो भद्रा कर्तव्यो यन्तु विश्वतः, तो हम करते ही है, बाकी लोगों के विचारों को विवेक से स्वीकार करने की बात की ज्यादा कमी नहीं है अपने आप। हम अपने विचारों का सत्य समझे, उसकी परख करें, उसकी परीक्षा करके युगानुकूल रखें,
जो पुराना है उसको युगानुकूल बना ले और जो नहीं हो सकता उसको छोड़ दे निसंकोच। कोई उससे हमारी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आती। जो सही सत्य लोक हितानुकूल है वो रखना, बाकी नहीं रखना। यही धर्म है। दुनिया को धर्म देने के लिए हमको सच्चा धार्मिक बनना है और अपने प्रेम से सबको जीतना है। शक्ति संपन्न हुए बिना अपने प्रेम को भी दुनिया नहीं समझेगी, ये ध्यान में रखिए। अपने प्रेम को हमने दिया बिना शक्ति के, लोगों ने उसको मजबूरी समझा, उन्होंने उसकी कीमत वसूल की। हम शक्ति संपन्न होके शांति की बात करेंगे तो सब समझ जाएंगे, देखेंगे इनको कोई जरूरत नहीं हमारी, फिर भी हमको बुला रहे हैं क्योंकि इनके मन में दोस्ती है, ये वास्तव में हमको अपना बंधु मानते हैं। हमारे देश के तंत्र नीति सब बातों की रचना इसके अनुसार होनी पड़ेगी। स्वतंत्रता के बाद अपने संविधान की रचना करते समय अपने संविधानकर्ताओं का यही मानस था। उन्होंने परंपरा से हटकर अनेक बातें की, उन्होंने परंपरा के अनुसार भी अनेक बातें संविधान में रखी है। क्यों रखी है? इसीलिए कि ऐसा भारत खड़ा करना है जो संपूर्ण विश्व को उसका खोया हुआ संतुलन वापस देने वाला, खोए हुए भाईचारे का साक्षात्कार करा देने वाला, जो परोपकार करे इसके लिए एक तात्विक प्रत्यक्ष आधार अनुभूति का देने वाला एक विश्व गुरु भारत, ऐसा धर्म उनको देगा। धर्मदान के लिए हम है, धर्म प्राण देश है। हमको अच्छा पक्का सच्चा धार्मिक बनके दुनिया को अपने शक्ति के आधार पर फिर से प्रेम सिखाना पड़ेगा, फिर से प्रेम सिखाना पड़ेगा। दुष्ट लोग आएंगे, दुष्टों का उत्तर देना यथोचित करना पड़ेगा। हमारे उत्तर देने से उनका विनाश नहीं होगा, उनका उद्धार होगा, ऐसा हमको करना पड़ेगा। अपने ही निर्मित रौरव नरक में वो पड़े हैं, उससे उनका उद्धार करना पड़ेगा। लेकिन पहले हमको अपने ही निर्मित माया भवर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक गीत बहुत अच्छा गीत है भारतवर्ष के लिए, तू कौन था, कौन है, कौन होगा, अरे रे तुझे होश भी कुछ नहीं है, है तू अवश्य विश्व भी सोच वशा, कहीं शांति का तो पता भी नहीं है। सन्मान्य सम्राट सारे भुवन का कनक गर्भ तत्वम, अरे तू वही है सोहम, अभय पूर्ण हुंकार कर दो, न फिर देख तेरे बगैर कुछ नहीं है। ये जैसे एक व्यक्ति के लिए आत्म साक्षात्कार की बात है, वैसे संपूर्ण विश्व को, लड़खड़ाते विश्व को, विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने वह हमारे पास आए। भूमि हर दलित को पुचकार दी, हर पतित को उद्धार दी, विश्व में गूंजे हमारी भारती, ये पराक्रम अगर करना है तो अपने राष्ट्र के इस सत्व का साक्षात्कार लेकर उसकी दृष्टि के आधार पर युगानुकूल जीवन का उदाहरण हम सबको बनना पड़ेगा, व्यक्तिशः समाज और राष्ट्र के नाते भी, और उसके आधार पर अपने मैत्री में सबको बांधकर, लेकिन ये जानकर कि दुनिया शक्ति के बाद ही मानती है, उस शक्ति की आराधना करते हुए विश्व की इस दुविधा में से उसको बाहर निकालना है, जो ज्ञान, जो साधन संपन्नता का काल और जो बल विश्व के लिए संकट पैदा कर रहा है, वही ज्ञान, वही बल और वही साधन संपन्नता संपूर्ण विश्व के, सृष्टि सहित सारे विश्व के मुक्ति का साधन बने, स्वतंत्रता का साधन बने, उन्नति का साधन बने, यही भारत की भूमिका रहेगी। भारत उसके लिए एक एक कदम डालते हुए तैयार हो रहा है। भारत की इस गति को बढ़ाने का काम, इस दिशा में अपने चिंतन और वृत्ति को बढ़ाकर हम लोग करें, इतना एक निवेदन आज के समय आपके सामने रखता हूँ। आपके चिंतन के लिए चिंतन इसका कीजिए और कृति अभी से प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद।
आभार दर्शन हेतु हूँ पुनः सुनील भाई बोरिस